अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत होंगे। यार आप लोग, मुझे पता है जानवर देख देख के पागल हो चुके हो, बोल रहे हो भाई फहद भाई बस कर दो यार इतनी जानवर की वीडियो। अरे भाई बस कर भाई, पीछा छोड़ मेरा, जानवर भी मुझे बोले जा रहे। मगर आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, आप सोच के ना ऐसे दंग हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये क्या दिखा दिया फहद भाई। अभी आप थोड़ा सा सबर करो, आप उसको अगर देखेंगे ना तो आप बोलेंगे ऐसे करके। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा सबर करो। ये देखो मेरे साथ मौजूद है, खामोश रहना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे भाई मैं, मुझे डर लग रहा है। नहीं 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 नहीं, काटे ना कपूरा। नहीं 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 नहीं, अरे भाई जानवर है बहुत खतरनाक। अरे इसको बांधो भाई, रस्सी कहाँ है इसकी? अरे रस्सी कहाँ है इसकी? ये लो पानी पियो। मेरी रस्सी नहीं है, तू गया। मेरी रस्सी नहीं है, तू गया। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे पीछे बचा, पीछे बचा, पीछे बचा, पीछे बचाओ। ऐसा जानवर आपने कभी नहीं देखा होगा। बचाओ प्लीज, बचाओ। बस खत्म, खत्म हो रहा है, खत्म। हाँ देखो लगा रोल खत्म। हाँ चल यार मैं निकलता हूँ, मेरी बेगम वेट कर रही है। चलो सही, कितने होगा आपके? हैं कितने होगा? 500 रुपए दे दिया। मजा आया। अबे तेरा तो उल्लू उड़ गया, तेरा तो कंटेंट ही नहीं बचा, अब क्या करेगा तू? अबे भाई उल्लू गया भाड़ में, उड़ गया उल्लू तो उड़ गया ना, बस कर दो, पीछा छोड़ दो उसका। नुकसान तो हुआ है ना बहुत। अबे छोड़ो ना, क्या कोई कंटेंट बचा है? अभी सीन ऐसा है, आज जो हम जिस जगह पर मौजूद है ना, हमारी आंखों के सामने जो चीजें आ रही हैं, वो देख के बंदा दंग हो जाए। ऐसी बाप बाप चीजें जो बंदा घर में रख ही नहीं सकता, तो हम आज उसको जरा एक्सप्लोर करेंगे। भाई तो तेरे घर वालों ने भी तुझे घर में रखा हुआ है ना, तू कैसे बोल रहा घर पे नहीं रख सकता? मेरे को तो घर वाले घुसने नहीं देते, मैं तो उधर सोता हूँ रात में फुटपाथ पे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, मतलब मैं देखकर दंग हो गया हूँ। ऐसी ऐसी मुख्तलिफ चीजें जो वो बंदा घर में रख ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें भाई, ये कैसे रख ली यार आपने? ऐसी ऐसी चीजें, और इसमें से बहुत सारी चीजें रेस्क्यू भी की हैं हमने। इन्होंने भाई रेस्क्यू भी किया हुआ सोनू भाई, आज ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, मजा ही आ जाएगा आज तो। आज जो मैंने चीजें देखी है ना, जो मेरी आंखों के सामने, वो मैं देख के दंग हो गया। इन्होंने वो चीज को पकड़ा है, आज हम ये सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। अभी जा रहा हूँ मैं एक पिंजरे के अंदर, वहां पे बड़ी खतरनाक सी चीज है। अरे भाई साहब, ओ भाई ओ भाई, ये तो बड़ी खतरनाक मुर्गी है यार, पफ वाली। अबे इसके बाल कैसे हैं उस्ताद? भाई ये वो टिकटॉकर है रबी का काशिफ, जो 18 साल से बड़ी नहीं रही है। अबे इसके पफ चेक करो यार, इतना खूबसूरत लग रहा है यार ये तो। कम से कम 6-7 हज़ार की, 6-7 हज़ार रुपए की। दिल तो चाह रहा है इसको मैं जिबा करके खा लूं। काटो वाला चूहा लग रहा है, ऐसा लग रहा है काटे हैं इसके सर पे, और बहुत गुस्से वाला भी है। इसके ताज नहीं है शायद, बस इसके ये पफ है। माशाल्लाह यार कितना खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने क्या चीज बनाई है माशाल्लाह। भाई तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है पफ वाला मुर्गा। और तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? मैं 50 अंडे दे देता हूं रोज। भाई ये तो बहुत गुस्से वाला मुर्गा भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अबे नहीं कर रहे जेबा, नहीं कर रहे। और ये है इसकी बेगम, बेगम भी गुस्से वाली है, दोनों मियां बीवी दोनों गुस्से वाले हैं। सुनो भाई देखो यार, मुर्गा मुर्गियों की शादी हो रही है, तुम्हारी तो शादी नहीं हो रही आज तक। कितने साल उम्र हो गई तुम्हारी, बुढ़े हो गए हो फिर भी तुम कुंवारे हो। ये देखो, ये तो मजे इनके यार, देखो उसकी भी बीवी है यार, मुर्गे की, मुर्गे तक की भी बीवी है। टूटा हुआ साज हूँ मैं। सुनो भाई आपकी शादी नहीं होने वाली, छोड़ दो सब, छोड़। आप शादी पे मतलब आपका वो इस्तखारे में नाम ही नहीं आता यार। मुर्गा मुर्गी तो बड़े मुझे बहुत प्यारे लगे, अब मैं सोच रहा हूँ इनमें से शायद मैं मुर्गा मुर्गी ले लूँ। आप लोग बताएं यार क्या करूँ, मुर्गा लूँ मुर्गी लूँ? कोई एक ऐसा मुर्गा दिखाने वाला हूँ, मतलब वो सोनू भाई की तरह है, समझ रहे हो ना, सोनू भाई की तरह है। ये चेक करो आप, बोरे भाई साहब ये तो शुरू होते ही खत्म हो रहा है। अबे इतना सा मुर्गा, ये तो इतना सा है मेरे हाथ के जितना है। दो साल का है, अजान भी देते हैं सुबह सुबह। अबे सुनो भाई ये तो तुम्हारे जैसा छोटा सा। भाई मेरी नस्ल का मुर्गा आ गया। अबे इसको ले जाओ। क्या ले जाओ, पप्पी तो ले लूं अपनी। अबे सुनो भाई जैसा लग रहा है ना, देखो आप लोग कमेंट में बताओ, ये देखो सुनो भाई जैसा लग रहा है ना, छोटा सा मुन्ना सा। अरे कहना क्या चाहते हो यार, ये बहुत खूबसूरत मुर्गा है, और इसकी आप हाइट चेक करें कितना बड़ा है। ये देखें ये मुर्गा यार, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा। इधर आना। अबे नहीं उसका, अबे उड़ भी रहा है, अबे बड़ा खतरनाक उड़ रहा है। ये जितना छोटा है ना उतना फुर्तीला भी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है यार। क्या बोलते सोनू भाई, ये ले लें क्या? है? ये ले लें।
यार कुछ भी ले लो यार हम तो, क्योंकि ये भाई ने बोला है कि आज इसमें से जो दिल चाहे आपका वो ले लो, ये ले लो, ये चीज नहीं लो। अभी तो बहुत सारी चीजें देखना बाकी है, चलो देखते हैं। कछुए का मुंह चेक करो आप, कछुए का मुंह, हाँ सॉरी वो कछुआ नहीं है, ये कछुए का मुंह चेक करो यार। अबे भाई ये कितने साल तक का होगा ये कछुआ? अबे भाई ये तो अंदर ही नहीं हो रहा मुंह इनका, अभी इतना भारी। ओ भाई साहब ये मुझे लग रहा है बहुत बहुत ज्यादा उम्र का है, बुढ़ा है ये। ये कितने साल का है भाई? इतने साल तक इनकी उम्र होती है? 400 साल 300 साल। अरे भाई साहब इतना खतरनाक कछुआ है उस्ताद। कछुए होते हैं वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, मतलब उनके अगर करीब जाओ ना तो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। ये तो अपना मुंह बंद ही नहीं कर रहा, ना अपना हाथ बंद कर रहा है ना मुंह बंद कर रहा है, मतलब इसको इतना भरोसा है इंसानों पे, इंसानों से घुल मिल गया है, ये अपना मुंह ही नहीं बंद कर रहा। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा सा है। अबे अपनी जबान में गालियां पक रहा है, बोला छिछोरे मेरी बीवी को छोड़। तो छिछोरे हो तुम हो ना, तुमने इसकी बीवी को पकड़ा था, ये शौहर है ये बीवी है। क्या करूं किसी को तो पकड़ना है ना मैंने। जा रहा बत्तख चेक करो, अरे बत्तख चेक करो, अरे बत्तख। अबे भाई साहब, अबे भाई ये घर में रखने वाली चीज छोड़ी क्या भाई, क्यों रख लिया, क्या सोच के रख लिया? यार ये रेस्क्यू है ना, एक बंदर वाला लेके घूम रहा था, खाली पैसे कमाता था, खिलाते ही नहीं था। अच्छा फिर मैंने उसे बोला कि भाई जितने पैसे लेने ले ले और दे दे। बड़ा ही जालिम था यार, तुम्हारी तरह था। ओ भाई साहब ये चेक करो भाई साहब। अच्छा मोबाइल छीन लेगी मेरा? ओ भाई साहब, ये इसका जो ओ भाई, ओ भाई ये क्या कर रही है, ये अपना हाथ क्यों काट रही है भाई, ये अपना हाथ क्यों काट रही है? ये गुस्से में ऐसे करती है, गुस्सा आ रहा है इसको हमें देख के। ओ भाई साहब ये ओ भाई, अबे सुनो भाई बहुत खतरनाक है भाई इसका ये स्टाइल, मुझे पता है ना, इसकी तरफ हाथ लेके जाओ। सुनो भाई दोनों लग, ये क्या बंदर ही है? बंदर है, बंदर ही है। चलो भाई फिक्स हो गई डेट। अबे 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 सुनो भाई, देखा अपने लापरवाही का नतीजा। चलो भाई मुबारक हो तुम्हें, अपने तुम्हारा शौहर मिल गया, मुबारक हो तुम भाई, मुबारक हो सोनू भाई, मुबारक हो यार आपकी शादी हो गई, मुबारक हो यार पहली डेट आपको, मुबारक हो। इससे लूंगा जहेज, ये देखो ना सोने की चेन तो वैसी पहनी हुई है उसने, इससे जहेज लोगे? यार बहुत खूबसूरत बीवी है माशाल्लाह तुम्हारी। चलो भाई मुबारक हो आपको सोनू भाई की, माशाल्लाह से शादी हो गई है। सोनू भाई की बेगम को बाहर निकाल ले। सोनू भाई इधर रहो, तुम अपनी बेगम के पास ही रहो। अबे तुम्हारी अबे, बेगम है। अबे मैं पैसे खाए हैं अपनी बेगम के मारेगी। अबे नहीं ना, अरे तुम्हारा शौहर है ये रहा। खुला ले ली मुझसे, ये देखा गुस्सा। ओ भाई ओ भाई, इसी वजह से मैंने इससे जान छुड़ाई है, यूं करके दिखाती रहती है मुक्का। भाई आपकी बेगम बहुत प्यारी है, नो डाउट यार, तू कर ले शादी फिर, मैंने तो खुला ले ली। मस्त जोक मारा रे भाई। बंदरिया मेरी बात सुनो, सोनू भाई की बेगम इधर, हेलो भाई देखो ताली बजा के बताओ तुम्हें सोनू भाई कबूल हैं? मैं तेरे को पहली बता रहा हूँ, ये वो औरत है जो अलग घर का मुतालबा करती है अपने हस्बैंड से। अच्छा जॉइंट फैमिली सिस्टम कोलैप्स। हाँ मुझे तो यही लग रहा है उस्ताद। वाह क्या सीन है, अपनी बीवी से डर रहे हो यार, हद हो गई यार, कैसे शोहर हो तुम? मजा आया यार, मुझे तो दिल चाह रहा है मैं इसको ले लेता हूँ। क्या बोलते सुनो भाई, मोर ले लें या हमें जो हमने बंदरिया देखी वो जो तुम्हारी बेगम है वो लें? उसको तो मत ले, वो तो तबाह बर्बाद कर देगी घर, इसको लेने का सोच ले, ये खूबसूरत भी यार, खूबसूरत भी माशाल्लाह, और इसके ऊपर ये ताज चेक करो यार माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, और इसके पर भी बहुत खूबसूरत है, ये देखें मैं इसको नीचे छोड़ के दिखाता हूँ। ओ भाई अबे यार आप लोग इसकी गर्दन चेक करो, अभी ये बिल्कुल नरम है, मतलब ऐसा है कि हवा, ऐसा लग रहा है हवा है, ये देखें पता नहीं क्या चीज़ है ये, समझ नहीं आ रहा। और इसको कहते हैं टर्की मुर्गी, ये वैसे होती कितने की है? ये वैसे 5-6 हज़ार तक की, 5-6 हज़ार तक की, और ये हलाल कर सकते हैं इसको हम? ये हलाल। अच्छा इसके एक खास बात बताऊं क्या, ये अगर डरती है ना तो इसका कलर चेंज कर लेती है, ब्लू कर लेती है, ये ब्लू हो जाता है। हाँ, अबे ना व्हाइट भी कर लेती है, 5-6 कलर कर लेती है यार, क्या शान है अल्लाह ताला की। और ये क्या चीज है इसकी, ये नाक है क्या है? ये कान है, ये कान है। अच्छा गगड़ वाला सीन है यार। अबे और बहुत खूबसूरत चीज है, और मैं तो सोच रहा हूँ ये ले लेते हैं सोनू भाई, इसको फिर हलाल कर देंगे हम। ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, ये मुर्गियां भी कैंसिल हो गई, अभी मुर्गियां उर्गियां सब हमने जिबा कर दी, अब कुछ नया लेके करना है ना जिबा। अबे भाई साहब अबे ये चूहा है, इसके पूरे ऊपर कांटे ही कांटे हैं, बाकायदा तौर पे इसके कांटे हैं, और मुझे चुभ भी रहे हैं अगर मैं इसको हाथ लगाता हूँ ना, फुल खतरनाक इसकी धौर है यार। और इसकी आप शक्ल चेक करो, आप इसकी शक्ल चेक करो भाई, चूहे भाई, चूहे भाई, तुम्हें ये लेकर कहाँ से आए? यार मुझे ना इन्होंने रेस्क्यू किया था, ये मुझे ना एक जंगल से उठा के लेकर आए थे। तो तुम सही हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझसे दूर हो जा वरना मैं तुझे कांटे चुबा दूंगा। अच्छा 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 ठीक है ना, मैं दूर हो रहा हूँ आपसे, बस हल्का फुल्का हाथ लगा के देख रहा हूँ। अबे कांटे चुभ रहे, अबे मुंह नहीं दिख रहा उसका साले का। अबे भाई साहब
अबे ये इतने खतरनाक है, सुनूंगा हाथ में लेके देखो। आराम से बिल्कुल प्यार से लेना, अगर ज्यादा टाइट से पकड़ा ना आपने, आपके कांटे चुभ जाएंगे। अबे भाई साहब, अबे ये क्या बिठा दिया, हटाओ इसको, अबे हटाओ। अबे भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब, ये तो केकड़ा है। अबे क्या है इसकी, क्या क्या रखा हुआ यार तुमने? फ्रेश वाटर क्रैब है, मतलब ये मीठे पानी में रहता है। सुनो भाई, इसको हाथ में पकड़ो। कैसे पकड़ो, ये तो आने को तैयार। ओ भाई, ओबे मुझे गुदगुदी हो रही है। अबे हटा इसको, पकड़, अबे पकड़ ले, मुझे गुदगुदी हो रही है। सोचो यार, अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं यार, मतलब अलग ही लेवल की। एक तो जानवर ही अलग लेवल के और इंसान भी अलग ही लेवल के। क्या कुदरत है यार अल्लाह ताला की, चेक करो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। गिरगिट भाई, आप ये बताएं, आपका इतना खौफ क्यों है? मैं सबको खा जाऊंगा। अरे भाई साहब, गिरगिट भाई प्लीज, मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। हमारे इलाके में किसी घर में निकल गई थी। अच्छा, तो वो हमारे हमें लाके दे दिए। अबे क्या आप लोग पकड़ते ही रहते हो ऐसी ऐसी चीजें? ऐसी अगर कोई चीज दिखती है ना, तो बहुत सारे लोग उसको मार देते हैं, या तो फेंक देते हैं, या तो मारना नहीं चाहिए। हाँ, और लोग सांप को भी मार देते हैं। अरे पकड़ने वालों को बुलाओ, उसको बोलो भाई सांप पकड़ो। ये देर से बदलती है कलर, ये थोड़ा देर से बदलती है। ये देखिए हल्का हल्का, हाँ हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा है, हल्का हल्का, अभी बिल्कुल ही इसका वो था मट्टी वाला कलर, अभी चेंज हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो गई है। अबे हाँ, अबे हो रहा है ब्लैक। अबे यार अल्लाह ताला की शान चेक करो, सोनू भाई के इधर बिठाया ना अभी मैंने, इसका कलर पकड़ना स्टार्ट कर दिया इसने, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो। क्या बोलते हो, ये ले लें? ये ले लें, ये टाइट चीज है। चीज तो बढ़िया है, लेकिन तेरी अम्मा फिर तुझे घर से निकाल देगी बाहर। अबे हाँ, ये मसला है ना, अम्मा का मसला है सारा, वरना मेरा बस चले तो मैं तो इसको ले जाऊँ। सोचो इसने यहाँ पे आके अटैक कर दिया तुम्हारे यहाँ, इधर फिर क्या होगा, मर जाऊंगा। अटैक कर दिया, सांडे का तेल ले लो, सांडे का तेल ले लो, 50 का 10 का लगा दिया, 25 का 10 का लगा दिया, सांडे का तेल, सांडे का तेल। अरे भाईजान, ये सांडे का तेल कितने का दे रहे हो? यार तुम्हारे लिए 20 रुपए का, तुम क्यूट बच्चे हो। अच्छा, इस सांडे का तेल से होता क्या है? ये सांडे का तेल कैसे निकालते हैं? वो मेरा काम है। सांडा कहते हैं? हाँ। तो फिर तुम्हें क्या कहते हैं? मुझे? तुम्हें तो सांडवा कहते हैं। अच्छा, जब ही मैं बोलूं, ये सांडवा और सांडे का तेल बेच रहा है। अभी इनको हमने धूप लगाने छोड़ दिया, आप इसकी शक्ल देखें कितना गुस्से वाला है, फुल टाइम गुस्सा कर रहा है। हर थोड़ी देर बाद हल्का सा इसको हाथ लगाओ ना, ये काटने के लिए आता है। अभी तो थोड़ा सा सुस्त हो गया, मगर ये बहुत खतरनाक है भाई। वैसे एक राज की बात बताऊं, ये सांडे का तेल जो है ना, वो आपको इतवार बाजार वगैरह में मिलता है, इसका तेल वगैरह भी निकलता है, और इसका तेल से इतना फायदा होता है आपके जोड़ों में, अगर आप लगाते हैं ना, तो वो जोड़ों का दर्द जो है ना, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ये सांडा हलाल जानवर है और ये घास खाता है। इसका जो गोश है ना, वो आप पता है कहां से कहां तक खा सकते हैं? इसका ये जो दुम वाला हिस्सा है ना, सिर्फ ये खा सकते हैं, ये वाला पार्ट नहीं खा सकते। अल्लाह ताला ने काफी चीजों को हलाल किया है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतने सारे सांप भी देख लिए, शुतुरमुर्ग भी देख ली, मोर भी देख ली, हर चीज इनके पास अवेलेबल है, घर के अंदर रखी हुई है, पूरा सेटअप है, मगर इसमें से सिर्फ एक इतनी बाप चीज मुझे लगी ना, मेरा तो दिल चाह रहा है बस वो अब ले लो। ले लूं? हाँ, ले ले। अरे भाई साहब, मेरे तो देख के खौफ आ रहा है। ओ भाई साहब, ये है मगरमच्छ। अबे धाड़ है, धाड़ है। अबे ऐसे कर रहा है, इसको हाथ लगाऊं? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई ये बहुत खतरनाक है। अबे भाई हाथ हटाओ, हाथ काट ना, काट ले तुम्हारा। ओ भाई बहुत खतरनाक है, इतना सा मगरमच्छ उंगली अलग कर सकता है। अबे ओ भाई, यही लेना है मैंने, मैंने सोच लिया इसकी उंगली अलग करवानी है मैंने। अबे बहुत खतरनाक है भाई ये, इतना एग्रेसिव, इतना एग्रेसिव। अबे फुल बड़ा साइज का मगरमच्छ होता ना जैसे, उस टाइप का ये मगरमच्छ है, और चलता वो भी इतना खौफनाक लग रहा है। अरे भाई, अरे भाई, अबे भाई यार, मैं तो सोच रहा हूँ इसी को ले लेते हम। अरे भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज है। सुनो भाई, क्या बोलते हो, ये ले लें? हाँ, चीज तो बढ़िया है उस्ताद, ले लें? हाँ बस भाई, डन हो गया, अब हम ले रहे हैं मगरमच्छ। आ जाएगा? ओ भाई, मुझे इससे दूरी रखो। ये बोल रहे हैं अगर इसने, अगर आपकी उंगली ऐसे दबा ली ना, तो आपकी उंगली काट देगा, तोड़ देगा, हड्डी तोड़ देगा, इतना खतरनाक है ये। अरे भाई साहब, आप चेक करो इस मगरमच्छ का मुंह और इसके दांत, इतने खतरनाक है। सोनू भाई, वो लड़का कह रहा अगर तुमने इसके हाथ भी अगर गलती से भी रख दिया ना, ये उंगली काट देगा। बच्चा है अलग, और मुंह बंद ही नहीं कर रहा, मुंह बंद नहीं कर रहा, बस बचपन से भूखा नंगा लग रहा। पंजे भी बहुत खतरनाक है। कितना इसका साइज हो जाता है? ये कम से कम 10-15 फीट तक चल जाता है। 10-15 फीट? अबे सोनू भाई, तुम तो उतने के उतने ही हो। और इसकी उम्र कितनी होती है? ये कम से कम भी 60-70 या 100 साल तक चल जाता है। अबे 100 साल के अंदर तो मेरे 100 बच्चे हो जाए, तुम 100 दफा पैदा हो गए, 100 दफा कुंवारे मर सकते हो। 15 फीट का हो जाएगा, इसको खा जाएगा ये। अबे भाई आप इसकी स्किन चेक करो, कितनी खतरनाक है, लेवल है भाई इसका मगरमच्छ का। जैसे वो बड़ा मगरमच्छ होता है ना, सेम उसी तरीके से लग रहा है, बस इसका साइज छोटा हो गया। अब ये जब बड़ा हो जाएगा ना, तो इंसानों को भी खा जाएगा। आंखें चेक करो, इतने करीब से शायद आपने पहली बार देखा होगा इतने करीब से मगरमच्छ को। बस भाई डन करो, ये मेरा हो गया। सुनो भाई, बस डन है, ये लेके जा रहे हैं आज हम घर। ये खाता गया है वैसे? ये
बोनलेस चिकन बस सही है, चिकन तो खिला दूंगा, मसला नहीं है। बस भाई ये डन हो गया, आपके भाई ने फाइनल ये ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई डब्बे में डाले उसको। ओ भाई, ओबे भाई साहब बहुत खतरनाक है, वो बाहर निकल गया। यार उस्ताद ये तो हमारी वाट लगा देगा। इसकी एक बात समझ नहीं आ रही, इसके पास जबान क्यों नहीं है? ये वाइट जानवर है जिसके पास जबान नहीं होती। जबान नहीं होती है? ओ भाई साहब इसको जरा कटवा के देखें, कोई चीज काटेगा। ओ भाई, ओ बे इसका गुस्सा चेक करो, बताए आवाजें कैसी आ रही है इसके पास से। यूं कर रहा है जैसे बिल्ली करती है ना गुराट से। एक दफा दोबारा कटवाना जरा, बहुत खतरनाक है। और दो दफा झटका मारता है ये और ये अचानक से, अल्लाह ना करे किसी की उंगली आ गई इसके पास। खाते वक्त डेथ रोल हो जाता है वो, डेथ रोल मतलब पकड़ के ऐसे गोल 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 घूमता है, तोड़ देता है पूरा। ओए होए सोनू भाई, भाई ले रहे हैं बस हम, बस डन हो गया, इसको डब्बे में डालो पैक करो, बस हम लेके जा रहे हैं बस अब। वैसे इनके दिल धक धक हो रहा है यार, ये फात भाई क्या चीज ले ली, मगर यार बस आपके भाई ने ले लिया ना, बस अब छोड़ो, अब छोड़ दो भाई, अब आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा हो चुका है बस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मगरमच्छ ले लिया है, मगरमच्छ का बच्चा चेक करो आप, इस डब्बे के अंदर बंद कर दिए, अब इसको हम घर लेके जाएंगे। चल पुत्र अब तू मेरा हो चुका है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, गोश्त खिलाऊंगा, बहुत सारी चीजें खिलाऊंगा, चलो चलते हैं अब। भाई अभी हम खा रहे हैं कचौरी फुल मजे मजे की, आहा मजा आ गया। और हमारा जो ये मगरमच्छ है इसको भी थोड़ी सी डाल देते हैं, ये कचौरी भाई इसको थोड़ी सी डाल दो यार, ये बेचारा थोड़ा सा खा लेगा क्योंकि अभी इसको इतना लंबा सफ़र करके घर जाना है। चलो भाई मगरमच्छ अब तुम ये पूरी भी खाओ और हमें भी खाने दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने लिया क्रोकोडाइल, वो भी बच्चा इन भाई से, ले जाए ना फिर। आपने ख्याल रखना इसको और आपके साथ ही रिलीज करेंगे बड़े करके। मेरे साथ ही रिलीज करेंगे तो मैं बड़ा कर लूंगा ना इसको इंशाल्लाह। चिकन खाता है ना बस ये? हां चिकन खाता है। चलें सोनू भाई। हाँ चलो। अबे भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सुनो भाई डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, जब ये बड़ा हो जाएगा ना फिर और ज्यादा खौफ आएगा। चलो भाई चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपके भाई ने ले लिया है माशाल्लाह से। चलो भाई सही है, अल्लाह हाफिज़ यार, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई मगरमच्छ अपना हो गया है। अबे सोनू भाई माशाल्लाह यार मगरमच्छ ले लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो संभाल के पकड़ो, संभाल के पकड़ो भाई। देखो हम अलग ही दुनिया से काम कर रहे हैं ना, उल्लू ले लिया, मगरमच्छ ले लिया, अब ये गधा भी ले ले सामने। ये गधा भी ले ले, तुम्हें लिया हुआ है ना और क्या चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं, ये बात की। बस अल्लाह ताला से उम्मीद है ये मम्मा जो है ना मेरी, वो कोई चरान ना डाले बस इसकी। मम्मा चरान नहीं डाले यार, जब ये बड़ा हो जाएगा ना उस लड़के ने बोला फिर आप इसको आजाद करेगा। Much, much, much later. अबे भाई साहब ये मगरमच्छ वाले का घर कहाँ चला गया, आप मिल ही नहीं रहा। अगर मैंने इसको घर पे नहीं दिया ना उसके, मेरी अम्मा मुझे घर से निकाल देगी। मगरमच्छ वाले भाई को बुलाओ जल्दी से, उतर भाई उतर, ख्याल से पकड़, इधर उधर ना निकल जा। मगरमच्छ वाले भाई, अबे यार जल्दी से आ जा। अबे भाई ये मगरमच्छ ले ले भाई तू, अगर ये मगरमच्छ मैंने ले लिया ना तो मेरी अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। भाई आप इसको रख लो संभाल के, ये आपका ही मगरमच्छ है, आप इसको रख लो। और भाई तुम लोग भी ऐसा कुछ भी नहीं करने का सोचना, ये मगरमच्छ घर पे ले आया और मगरमच्छ को पालने लग गए। अबे भाई कोई तोता शोता पाल लो, छोड़ो यार ये मगरमच्छ के चक्कर, पता नहीं मुझे क्या सूझी थी जो मैं मगरमच्छ लाया। चल भाई बाइक स्टार्ट कर, सही है भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं भाई, अल्लाह हाफिज़।